मैं हूं लवली सिंह, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फिरोज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि मायावती अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के प्रयास में है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मायावती भाजपा को जिताना चाहती है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशी को अलीगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने को प्रत्याशी उतारने में लगी हुई है। दोनों पार्टी से जब मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। मुस्लिम समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, मायावती को भी गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। फिरोज आलम, मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी ढूंढ रही है। बहुजन समाज पार्टी जब मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी तो उससे पीडीए परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुजन समाज पार्टी इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आपको प्रत्याशी उतारनी है तो ठाकुर समाज से उतारिए। ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिससे आप उतार सकती हैं, मुस्लिम ही क्यों, मुस्लिम परिवार ही क्यों आप चुन रही हैं हर जगह। देखिए, जब मुस्लिम प्रत्याशी उतरेगा तो मुस्लिम प्रत्याशी के उतरने के बाद सामने भी हो सकता है पीडीए परिवार से मुस्लिम प्रत्याशी, तो मुस्लिम प्रत्याशी दोनों तरफ बढ़ जाए तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचेगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत से काम ऐसे किए हैं, वो लाखों युवाओं के दिल की धड़कन है अखिलेश यादव जी, तो हम तो डायरेक्टली वोट अखिलेश भाई को देंगे। सलीम इकबाल शेरवानी साहब के पार्टी छोड़ने से समाजवादी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी का अपना खुद का वोट बैंक है, मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक है, और भी वर्ग हमारे साथ हैं, तो सलीम इकबाल शेरवानी साहब की पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं। बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी एक तरफा जीत रहे हैं, 5 लाख से जीत दर्ज है हमारी। देखिए, बदायूं में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी थे। धर्मेंद्र यादव जी ने बदायूं में सड़क का बहुत बड़ा जाल बिछाया, जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहाँ पे सड़कें थी, गांव-गांव में सड़कें थी। इससे ज्यादा विकास कौन कर सकता है एक साथ। पार्टी ने जब प्रत्याशी ऐसा घोषित किया है जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी में एक मुलायम सिंह यादव जी की छवि नजर आती है, तो जनता उन्हें अपना मानती है। उन्होंने हर वर्ग का साथ दिया, उन्होंने गरीब मजलूम हर किसी के साथ रहे, तो बदायूं का कहना है इस बार हमारा सांसद आदरणीय शिवपाल सिंह यादव। बहन जी।